नमस्कार दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में शी फ्यूरो सिरप के बारे में। जानेंगे भाई ये कहाँ काम आती है, कौन सी बीमारी में दी जाती है, कितने बड़े बच्चे को कितनी दी जाती है, कितने दिन तक दी जाती है, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट है, कहाँ पर नहीं देना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए शी फ्यूरो एक ब्रांड आता है दोस्तों, हिट्रो कंपनी का। ये पीने की सिरप आती है, छोटे बच्चों में दी जाती है। अगर कोई बच्चा 5-6 महीने से लेके अगर 2-3 साल तक का है तो वहां दी जाती है, पिलाने की आती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। आइए जानते हैं क्या काम आती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो सोल्ट आता है उसका नाम है सेफोरोक्सिम 125 mg। सेफोरोक्सिम जो होता है एक एंटीबायोटिक दवा होती है। अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है तो वहां उन बैक्टीरिया को मारकर उन प्रॉब्लम में ये ठीक मतलब काम करती है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम करती है। अगर बच्चे को फ्लू है, वायरल है, वहां एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती, वहां नहीं देनी चाहिए। वैसे डॉक्टर जान लेते हैं, अपने डॉक्टर के हिसाब से ही देना चाहिए। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, जैसे कि बच्चे को बैक्टीरिया कारण हो सकता है कि न्यूमोनिया बन जाए। दोस्तों न्यूमोनिया जो होता है ये वायरल भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया के कारण है तो दिया जाएगा, वायरल के कारण है तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया के कारण अगर न्यूमोनिया बच्चे को, जैसे कि कफ बनना, छाती जाम रहना, बच्चे को खांसी आना, बुखार आना, तो वहां पर डॉक्टर दे सकते हैं। या दोस्तों बच्चे के कोई आंत में इन्फेक्शन है, कोई पेट में इन्फेक्शन है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही या कोई और कोई दिक्कत है तो डॉक्टर दे सकते हैं। या कोई बच्चे की यूरिन इन्फेक्शन है, पेशाब करते समय दर्द आना या कम उतरना, बार बार उतरना, तो डॉक्टर दे सकते हैं। दोस्तों कोई दांतों का इन्फेक्शन है, कोई कान का इन्फेक्शन है, आंख का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, तो वहां पर ENT स्पेशलिस्ट भी दे सकते हैं। इसी तरह दोस्तों कोई हड्डी का इन्फेक्शन है, कोई हड्डी में इन्फेक्शन हो गया है, या कोई स्किन इन्फेक्शन है, तो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बच्चे को दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है बैक्टीरिया के कारण अगर कोई इन्फेक्शन है तो वहां दी जाएगी। बात करते हैं भाई मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये एंटीबायोटिक आती है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। एक्चुअली कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की रीढ़ की हड्डी होती है, जो बैक्टीरिया को मजबूत करते हैं, तो उन्हीं एंजाइम्स को ये बनने से ही रोक देती है, जिसके कारण बैक्टीरिया मरने लगते हैं और ग्रोथ रुक जाती है। बात करते हैं भाई बच्चे को कितने दिन तक दी जाती है। तो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक दी जाती है, ज्यादा लंबी नहीं चलती। ये दोस्तों डोज की बात करो तो बच्चे का बॉडी वेट लेके ही डोज दी जाती है, कभी भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट मत कीजिएगा। अगर मैं नॉर्मल डोज की बात करूँ, बच्चा 1 साल से 1.5 साल तक का है तो हो सकता है 2.5 ml से 3 ml तक दिन में 2 बार दे दे। 1.5 साल से बड़ा बच्चा है तो 5 ml से 7.5 ml तक दिन में 2 बार दी जा सकती है। बॉडी वेट ज्यादा है तो डोज भी ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, कोई स्किन रेशेज या चेहरे पे सूजन आना या पेट में दर्द होना, लेकिन ये बहुत ही कम चांस में होते हैं। अगर साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं आपके बच्चे के तो दोस्तों डॉक्टर को जरूर बताना, ठीक है। बात करते हैं भाई इसकी सावधानी क्या रखें। तो सावधानी यही है, कभी भी आप इसको सेल्फ यूज मत कीजिएगा, फ्लू में और वायरल में नहीं देना है। दोस्तों 3-4 दिन के बाद भी अगर बच्चे को आराम नहीं मिले तो इस पर डिपेंड भी नहीं रहना है, डॉक्टर को जरूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो।